दोस्तों रामायण में रावण का भाई कुंभकर्ण की जब भी बात आती है तो हम बस यही सुनते हैं कि वो एक विशालकाय राक्षस था जिसने रामायण के युद्ध में भगवान राम की सेना को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो 6 महीने में एक बार नींद से जागता था और खाना खाकर फिर से सो जाता था। बस इतनी ही बात हम सभी जानते हैं, पर दोस्तों आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कुंभकर्ण एक महान वैज्ञानिक था जिसने ऐसे कई अस्त्र शस्त्र और विमान बनाए थे जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी कई गुप्त प्रयोगशालाएं थी जिनमें से कुछ भारत में और कुछ विदेशों में भी थे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कुंभकर्ण का वो अनजाना रहस्य जिसे सुनने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ऋषि विश्वसर्वा ने ऋषि भरद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था जिनसे कुबेर का जन्म हुआ था। विश्वसर्वा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पैदा हुई थी। खड़, दूषण, कुंभकर्णी, अहिरावण और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। कुंभकर्ण की पत्नी वरुचन की कन्या वज्रज्वाला थे। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। रावण का ये भाई इतना विशालकाय और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन अकेले खा जाता था। भूख शांत ना होने पर ये प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, इसीलिए जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गए। परिणाम ये हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह पर निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन रावण की विनती पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने में एक दिन जागने का वरदान दे दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन उठकर भोजन करके फिर से सो जाता था। इस भयंकर राक्षस की कहानी बस इतनी नहीं है, रामायण में कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का भी उल्लेख मिलता है। ये भयानक राक्षस पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के साथ महायुद्ध कर चुका था। कहते हैं कि जब रावण भगवान राम के हाथों पराजित हो रहा था तब उसने कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए अपने सैनिकों से कहा। दोस्तों आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कुंभकर्ण का शरीर इतना विशालकाय था कि उसे नींद से उठाने के लिए उसके शरीर के ऊपर से 100 हाथियों को चलाया गया था, तब जाकर कहीं उसकी नींद खुली थी। जब रावण ने उसे जगाकर पूरी बात बताई तथा युद्ध स्थल में जाकर राम से युद्ध करने का आदेश दिया तो कुंभकर्ण युद्ध में जाने के पूर्व दुखी होकर रावण से बोला, अरे मूर्ख, तूने माँ जगदम्बा का हरण किया है और अब तू अपने कल्याण की बात कर रहा है। इसके बाद कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण को अनेक प्रकार से समझाया कि वो माता सीता को भगवान राम को सौंप दे और भगवान राम के शरण में चले जाए, इससे उसका वंश समाप्त होने से बच जाएगा। परंतु अपने अहंकार के कारण रावण ने कुंभकर्ण की एक ना सुनी। उसने कुंभकर्ण को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई के आदेश पर ये जानते हुए कि भगवान राम के हाथों मृत्यु होने से उसे मोक्ष मिलेगा, युद्ध के लिए रणभूमि में आया और विभीषण को राम के साथ रहते हुए धर्म का पालन करने का आदेश दिया और ये कहा कि इस युद्ध के बाद राक्षस कुल को कोई अग्नि देने वाला नहीं रहेगा, उस समय केवल तुम ही बचोगे, तो उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सकते हो। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण एक महान वैज्ञानिक था जिसे अपने अत्याधुनिक व अकल्पनीय शोध के लिए गोपनीय स्थान पर जाना पड़ता था। मान्यताओं के अनुसार ये गोपनीय स्थान किष्किंधा के दक्षिण के किसी गुफा में था, जहां पर उसने आश्चर्यजनक रूप से एक भारी भरकम प्रयोगशाला स्थापित कर रखी थी। वो अधिकांश वक्त इसी स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ गंभीर व उन्नत किस्म का प्रयोग करता रहता था। इससे हटकर कुछ शोधकर्ता ये दावा करते हैं कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक प्रयोगशाला लैटिन अमरीकी प्रदेश में थी, जहां जाने व लौटने के लिए वो स्वयं के बनाए अत्याधुनिक विमानों का इस्तेमाल किया करता था। शोधकर्ताओं ने ये भी दावा किया है कि रावण ने स्वचालित हथियार व दिव्यास्त्र सहित कई विमान भी कुंभकर्ण की सहायता से ही हासिल किए थे। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों का नाम लिया है जिनकी विनाश क्षमता बहुत ज़्यादा थी। शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि ये सभी दिव्यास्त्र कुंभकर्ण की महान बुद्धि के परिचायक थे। कुंभकर्ण अपनी पत्नी
वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। कुंभकर्ण ने अपने सारे शोध ब्रह्मा जी से वरदान पाने के पहले किए थे। ये भी कहा जाता है कि वरदान मिलने के बाद जब वो एक दिन के लिए जागता था तब भी वो कई तरह के शोध करता था। कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता अद्भुत थी तथा वो तत्कालीन विश्व का महानतम शोध करता था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।